ले पिंकी बेटा, तेरा फेवरेट डोसा, और आज तो इसमें पनीर भी है। ओहो, पनीर डोसा। ध्यान से पिंकी बेटा, कुत्तों को घी और इंसानों को प्यार हजम नहीं होता। मुझे नहीं खाना, ले जाओ आप। हैं? डोसा खाने को मना कर रही है? क्या बात हो गई? यही जिंदगी है पिंकी बेटा, बचपन में ज्यादा खाने पर डांट पड़ती थी और अब बड़े हो गए तो ना खाने पर डांट पड़ती है। अरे चुप करो, दिख नहीं रहा बेचारी की शक्ल उतरी हुई है? क्या बात हो गई, शीतल से लड़ाई हो गई? फिर ऐसे क्या बात हो गई जो तूने डोसा छोड़ दिया, वो भी पनीर वाला? पिंकी, तुझे मेरी कसम है, सच सच बता क्या हुआ है? मम्मी, लव मैरिज करना इतना बड़ा पाप है क्या? लव मैरिज? पिंकी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा, अगर तेरी सहेली की जगह तू होती तो हाथ पीले कर देते। है? शर्मा जी का लड़का के साथ? हाँ मम्मी। अरे ठीक है ना, कौन सा कर रहे हैं हम, मैं तो बस बता रही हूँ। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉट इफ, पर मुझे पता है मेरी पिंकी अपनी सहेली की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये तो है, हमारी पिंकी जैसे कोई नहीं। झूले चढ़ाए हैं? पर मम्मी, आप तो शीतल को बहुत टाइम से जानते हो, वो कोई गलत काम थोड़ी ना करेगी। देख पिंकी, लव मैरिज जो करे वो गलत है मेरी नजरों में, परिवार का नाम डुबोने वाला काम है लव मैरिज। और भले ही वो तेरी कितनी भी पुरानी सहेली क्यों ना हो, ये सब करने के बाद तो वो तेरी नजरों से भी उतर ही चुकी है। और हाँ, उससे प्रभावित होकर ये सब करने की सोचना मत। पर मम्मी, लव मैरिज में बुराई क्या है? अगर लड़का अच्छा हो, अच्छे घर का हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल पेरेंट्स को भी तो यही चाहिए होता है ना। जिस दिन बच्चे समझ जाए कि माँ बाप क्या चाहते हैं, उस दिन धरती स्वर्ग ना बन जाए। अच्छे घर के बच्चे लव मैरिज नहीं करते बेटा, अपने मम्मी पापा को ही देख लो, अपनी सहेली के मम्मी पापा को ही देख लो, सब अरेंज मैरिज वाले हैं। और हाँ, शादी ना हमेशा बड़ों के फैसलों से होनी चाहिए, खुद से शादी करते हैं ना बच्चे, वो जिंदगी भर परेशान ही रहते हैं। लुक हूज टॉकिंग, दिन में 10 बार बोलने वाले कि मैं परेशान हो गई हूँ आपसे शादी करके। हाँ तो कम से कम आज हम साथ तो हैं, तुझे पालकर इतना बड़ा कर दिया हमने। बेटा, लव मैरिज वालों की शादी नहीं चलती, आज लव तो कल डिवोर्स। और अरेंज मैरिज में कितने कलेश होते हैं दहेज को लेकर। मैं तो नहीं चाहूंगी मम्मी पापा कि आप लोगों की मेहनत की कमाई कोई लालची लड़का दहेज के नाम पर लेके चले जाए, नहीं। वाह पिंकी बेटा, वाह, क्या बात बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब बेटी बाप के जूते पहनने लग जाए तो उसको गाड़ी गिफ्ट कर देनी चाहिए। पर पापा, मैं तो हील्स पहनती हूँ। तुम दोनों बाप बेटी अपनी जुगलबंदी बंद करोगे, बात सीरियस हो रही है। और इस आदमी को तो बस अपने पैसों की पड़ी है, बेटी के भविष्य की तो कोई चिंता ही नहीं है। देख पिंकी, तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच, ये दहेज भेज की टेंशन लेने के लिए तेरे मम्मी पापा भी जिंदा है, तू बस ये कदम मत उठाना, ठीक है? बोल, नहीं करेगी ना लव मैरिज? मम्मी जाओ यार, मुझे आपसे शेयर ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, जैसे तूने इस लड़के के बारे में तो शेयर कर ही रखा है। ये कौन लड़का है? गाजियाबाद का है, आगे तो पिंकी जी बताएंगी। मेरा कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज का फ्रेंड? ओह, कॉलेज फ्रेंड के साथ कॉलेज के बाद भी घूम रही है, क्या चक्कर है भाई? क्या मम्मी, आपसे बात क्या शेयर कर दी, आप तो शक ही करने लगे। मैं जा रही हूँ, जाने से पहले मम्मी की बात सुनती जा। बाकी मम्मी संभाल लेगी, ये फेसबुक की वीडियोस ना कम देखा करो। इसलिए कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे,
दूसरा बच्चा होता तो मैं उसके कान में खुसर फुसर कर पाता। ओहो, लेडीज टॉक थी। पिंकी बेटा, मेन बात बता दे अपने पापा को। क्या बात है बता? मम्मी पापा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। आई एम सीरियस। क्या? हाय मेरी मूछ! क्या हुआ? कट गई पिंकी की मम्मी, कट गई। अब मैं क्यूट मुंडा नहीं, मुझ मुंडा बन के घूमूंगा। पिंकी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे पापा मम्मी प्लीज स्टॉप इट। ये लव मैरिज सुनते ही तुम लोगों के अंदर की बीन बजने लगती है क्या, जो सुनाना शुरू कर देते हो? लड़का अच्छे घर का है, इनफैक्ट हम दोनों की कास्ट भी बराबर है, मैंने पूछा है उससे। लेकिन गाजियाबाद का लड़का? अरे तो क्या हुआ, गाजियाबाद का है तो लोग जाति पूछते हैं और आप लोग लोकेशन के पीछे पड़े हो। देखो मम्मी, आई प्रॉमिस हम दोनों की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम बहुत सॉर्टेड है, नो दहेज नथिंग। उसे आपकी पिंकी से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है, सो प्लीज। बस पिंकी बेटा बस, बहुत बोल लिया तूने, मैं समझ रही हूँ। अब उसे पनीर डोसा नहीं, उसे इश्क विश्क प्यार व्यार से खुशी मिलती है। तो चली जा भी बेटा, चली जा। मम्मी पापा आप एक बार उससे मिल तो लो, अगर आप लोगों को लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं उससे रिलेशन खत्म कर लूंगी। पिंकी प्रॉमिस। अच्छा चल ठीक है पिंकी, तू जा, अभी हम सोच कर बताते हैं, जा। मैं कह रही थी कि वो ना आज मिलने आ रहा है, तो अगर आप लोग आज ही मिल लो तो। वाह, मतलब पिंकी बिटिया डेट पर जा रही है जॉब ढूंढने के बहाने। ये झूठ बोलने की कला भी अपनी माँ से सीख ली। किसी महापुरुष ने सही कहा है, जब बेटे झूठ बोलने लग। अरे बस कर जाओ तुम, कि जो भी कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पिंकी बेटा, अब जब तूने फैसला बना ही लिया है तो तेरी खुशी में हमारी खुशी है। एक काम कर, तू तैयार हो जा और अपने दोस्त से बात कर ले, हम भी तैयार हो गया। ठीक है ठीक है, जाओ। सच? थैंक यू मम्मी, आई लव यू। क्या कलयुग है, माँ खुद अपनी बेटी को प्रेम बंधन में बंधने के लिए आजादी दे रही है। क्या होगा इस देश की सभ्यता का, जब खुद माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ने में सारथी बनेंगे, कहाँ जाएगी ये पीढ़ी। अरे तो मैं कौन सा होने दूंगी लव मैरिज उसकी, वो तो मैंने पिंकी के मुंह पे ऐसे ही बोल दिया। मैं भी माँ हूँ उसकी माँ, ऐसी थोड़ी ना हार मान जाऊंगी। अगर वो जिद्दी तो मैं डबल जिद्दी, वहां जाकर ऐसी कमियां निकालूंगी कि उसका रिश्ता भी कैंसिल और रिलेशन भी कैंसिल। और आप शर्मा जी से जल्दी से बात कर लो, नहीं तो हमारी बेटी को ऐसे ही कोई आवारा फंसा लेगा जमुना पार और गाजियाबाद का। क्या बात है पिंकी की मम्मी, वाकई माँ हो तुम पिंकी की। जब लड़ाई अपनों से हो तो माँ एक योद्धा बन जाती है। I'm proud of you, my warrior. क्या कर रहे हो? तो दोस्तों, पिंकी की लव मैरिज होनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज, कमेंट करके बता दो। चलो जल्दी से तैयार होते हैं, कमेंट कर दो। चलो चलो। आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।